हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम यही वीडियो डिस्कस करवा एफए वन एग्जाम प्रिपेरेशन द्विघात समीकरण मीन्स देख तुम जो एक्सरसाइज 2.A एवं 2.B जी बेसिक कनसेप्ट फर्मूला रही तो से सब आम ये गोटे वीडियो रे फिनिश करवा। तो वीडियो स्टार्ट करवा। फास्ट चैप्टर में पढ़ी थी सरल सह समीकरण माने कौन, किंतु वर्तमान आम देखा द्विघात समीकरण। देख आम जाने सरल सह समीकरण साधारण रूप हूँ कौन, ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ कि नहीं देख, यहाँ हूँ कौन गोटे एक घाती समीकरण मीन्स देख एठार जो अज्ञात राशि एक्स रात हूँ एक, तो सेपरी वाई रात कौन एक। ठीक अच्छे ना, तो यहाँ कौन गोटे एक घाती समीकरण। ताल देख द्विघात समीकरण मान कौन, जो समीकरण कि सर्वोच्च घात दुई होता कौन कह द्विघात समीकरण बोली कह। मैंने देख जदि मुझे लिखिले ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखिली। ठीक अच्छे ना, तो ये कौन देख एठार जो अज्ञात राशि एक्स रहा एक्स रि घात के दुई अच्छी। हाँ कि नाई, ताल एटा हूँ कौन गोटे द्विघात समीकरण, किंतु देख ये एक्स रात कौन अच्छी वन अच्छी, किंतु आम देखा कौन गोटे समीकरण में सर्वोच्च घात जो दुई रही थी ताक आम कौन कह द्विघात समीकरण बोली कह। बुझा पड़ी ना, एवं देख एटा गोटे मन रख गोटे समीकरण घात जी रही थी तार बीज बा मूल से ही आसो मीन्स देख जदि आम गोटे एक घाती समीकरण लिखा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो लिखा। ठीक अच्छे ना, ताल देख ये जदि आम एक्स रैल्यू बाहर करवा तो ये ए एक्स इक्वल कौन है माइनस बी है आउ एक्स इक्वल कौन हो माइनस बी बाय ए हो मीन्स देख ये आम जो मूल आसला मीन्स देख एक घात समीकरण में गोटे ही मूल आम पाइबा, किंतु द्विघात समीकरण में आम कौन दुईटी आम मूल कि बीज आम पाइबा। फॉर एग्जांपल देख जदि मुझे लिखुची ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हूँ कौन गोटे द्विघात समीकरण। ताल देख जदि आम या उत्पादक विश्लेषण करें एक्स रैल्यू बाहर करवा तेल कौन देख एक्स स्क्वायर माइनस ये आम जो माइनस फाइव एक्स रहा ताकू कौन लिखी माइनस थ्री एक्स लिखिदेवि माइनस टू एक्स लिखी। ठीक अच्छे ना, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स के माइनस फाइव एक्स प्लस कौन सिक्स इक्वल टू जीरो। ताल देख ए दुटार आम कमन हो एक्स, तो ये रहा एक्स ये रइनस थ्री, तो सहीपर देख ए दुईटे आम कमन बाहर करवा माइनस टू, ताल ये एक्स रही माइनस थ्री रोक। देख माइनस माइनस कौन प्लस होक्वल टू कौन जीरो। ताल बर्तमान देख एक्स माइनस थ्री ये रहा ये भी एक्स माइनस थ्री अच्छी, तो कमन बाहर करवा ताल ये रक्स आउ रइनस टू इक्वल टू जीरो। ताल नेक्स्ट देख एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो सहीपर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ताल ये एक्स इक्वल टू के आसला माइनस थ्री एपटे आसला प्लस थ्री है, तो सहीपर ये एक्स इक्वल टू कौन माइनस टू एपटे आसला प्लस टू है। मान देख द्विघात समीकरण ये आम कतोटी बीज पाइले ये आम दुईटी बीज कि दुईटी मूल आम पाचे। बुझा पड़े ना, मीन्स मन रख गोटे समीकरण में जी घात रही थी मीन्स सर्वोच्च घात जिते रही थी तार आंसर से ही बाहर। ठीक अच्छे ना, तो ये दुईट आंसर बाहर बुझा पड़ा ना। एवं देख ये आम मन रखा ये जो आम आंसर आसला तीन आसला आज दुई आसला, तो एगुड़ा जब देख जदि आम एक्स बदल जदि आम पकेबा मीन्स ये आम कौन अच्छी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो अच्छी ना, तो मन कर देख जो तीन रैल्यू मुझे पकेबी ताल कौन हम थ्री स्क्वायर हम नाइन नेक्स्ट माइनस फाइव इंटु एक्स के थ्री पकेबा ताल पाँच थ्री के पंदर प्लस छः इक्वल टू देख जीरो आसो नौ छः पंद्रह हो तो पंद्रह माइनस पंद्रह कौन हो जीरो ही हो। बुझा पड़े ना, मीन्स कौन देख ये बीज कि मूल गुड़ाक आम कौन कह समीकरण जीरो बोली कह मीन्स देख एगुड़ा जब आम ये पकड़े कौन आसो जीरो ही आसुच्छी। बुझा पड़े ना, एवं देख ताल आम जान लें एटा हूँ कौन द्विघात समीकरण साधारण रूप। बुझा पड़े ना, तो ये आम जो देख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहा यहाँ आम कौन कह द्विघात पॉलीनोमियल बोली कह मीन्स आम लिखिपर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक अच्छे ना, तो ये जो लेफ्ट साइड जहाँ रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यटा आम कौन कह द्विघात पॉलीनोमियल बोली कह कौन कह द्विघात पॉलीनोमियल।
ठीक अच्छे ना ताहले बर्तमान आम देख द्विघात समीकरण मान कौन आम जानदे तो देख नेक्स्ट आम देखा द्विघात समीकरण को जो समाधान करवा तहार दुईट प्रोसेस रही गोटे हूँ कौन पूर्ण वर्ग में परिणत करपर समाधान करवा तो सेकेंड वन हूँ कौन द्विघात सूत्र प्रयोग कर समाधान देखा देख गोटे द्विघात समीकरण को आम किपर पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान करवा देखा तो सहीपर द्विघात सूत्र प्रयोग कर किपर आम समाधान करवा देखा मीन्स देख ये गोटे क्वेश्चन को आम कौन दुईट प्रोसेस समाधान करवा देख ये द्विघात सूत्र प्रयोग कर समाधान करवा ये टी इजी रु ये कौन आपेक्षा टी हार्ड रीक अच्छे ना तो फास्ट आम देखा द्विघात सूत्र प्रयोग कर किपर आम ये समीकरण को समाधान करवा देख आम तो जाने द्विघात जो सूत्र रहा द्विघात समीकरण गोटे सूत्र हूँ कौन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बै टू ए ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ कौन द्विघातर सूत्र यहाँ ताल बर्तमान कौन द्विघात सूत्र प्रयोग करके आपको आम सल्व करवा देख ये समीकरण ये ए हूँ कौन मीन्स एक्स स्क्वायर सहग हूँ दुई ठीक अच्छे तो सहीपर ये एक्सर सहग आम कौन कह कह तो ये बी के माइनस नाइन अच्छी तो सहीपर सी हूँ कौन फोर अच्छी बुझा पड़ चुना ताल बर्तमान देख आम द्विघात सूत्र प्रयोग करवा एक्स इक्वल टू कौन माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए ताहले एठी माइनस एठी बी केते अच्छी माइनस नाइन ताहले माइनस नाइन लिखा नेक्स्ट प्लस आर माइनस बी स्क्वायर मीन्स देख माइनस नाइन रो स्क्वायर हम नेक्स्ट माइनस फोर इंटु ए मान हूँ के टू अच्छी इंटु सी के फोर अच्छी बै टू इंटु ए मैंने के टू ठीक अच्छे ना तो नेक्स्ट देखा माइनस माइनस प्लस हो गला नाइन रहा नाइन प्लस आर माइनस रूट आवर हम देख माइनस नाइन स्क्वायर मीनस नौ स्क्वायर के एकाशे माइनस स्क्वायर प्लस हो तो ये एट्टी वन रहा नेक्स्ट माइनस चार दुणे आठ है आठ चौ के बतीस बै के दुई दुणे चार ठीक अच्छे ना तो नेक्स्ट देखा इक्वल टू कौन देख नाइन नाइन प्लस आर माइनस तो ये कौन देख एट्टी वन माइनस के थर्टी टू अच्छी मीनस के फर्टी नाइन तो फर्टी नाइन रूट लिखिद बाय के फोर अच्छी तो बर्तमान देख ये आम जो प्लस आर माइनस रहा तो नेक्स्ट आम कौन करवा एक्स इक्वल टू नाइन प्लस गोटे लिखा तो सहीपर नेक्स्ट आम माइनस लिखा तो नाइन प्लस ये देख रूट ओवर फर्टी नाइन मीनस अणचाश वर्गमूल होते सात ना तो सात लिखिद बाय फोर लिखा तो सहीपर आ गए एक्स इक्वल टू लिखा नाइन देख ये प्लस आर माइनस ये प्लस लिखते बर्तमान माइनस लिखा फर्टी नाइन रूट ओवर के सात बाय केते फोर ताहले नेक्स्ट देख नाइन प्लस सेवेन के सिक्सटीन तो सिक्सटीन बाय फोर ताहले ये के आसला फोर आसला तो देख ये एक्सर वैल्यू गोटे कौन आसला फोर आसला तो सहीपर ये एक्स इक्वल टू नाइन माइनस सेवेन मीनस टू टू बाय फोर ताहले ये के आसला वन बै टू आसला बुझा पड़चुना ताल देख ये आम कौन जो द्विघात समीकरण में आम द्विघात सूत्र प्रयोग करके आम आंसर बाहर कले ये आम मूल बीज के आसला गोटे चार आसला आ गए के बै टू बा एक बै दुई आसला ठीक अच्छे ना तो बर्तमान नेक्स्ट आम कौन करवा सेम क्वेश्चन को आम पूर्ण वर्ग में परिणत करपर समाधान करवा आम शिखा देखा से सेम क्वेश्चन को आम पूर्ण वर्ग में परिणत करपर समाधान करवा जाणी देख ये पूर्ण वर्ग में परिणत करवा यार दुईट प्रोसेस रही गोटे हूँ श्रीधर आचार्य प्रणाली तो सहीपर आ गए हूँ कौन विकल्प प्रणाली तो देख जदि एग्जाम आसो तुम विकल्प प्रणाली कले टे इजी रीक अच्छे ना तो बर्तमान देख आम ए क्वेश्चन को आम कौन पूर्ण वर्ग में परिणत करवा तो विकल्प प्रणाली आम समाधान करवा देख ये आम समीकरण कौन अच्छी टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो फास्ट स्टेप आम कौन करवा जो ध्रुवक संख्या रहा रईट सैड आम नहीं मीन्स देख ये कौन हम टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स इक्वल टू कौन फोर टा सेपट जीव माइनस फोर हो बुझा पड़े ना ताहले नेक्स्ट स्टेप आम कौन करवा जो समीकरण में आम देखा ये ए रान के मीन्स देख एक्स स्क्वायर सहग हूँ ए ना ना तो ये ए के टू अच्छी ठीक अच्छे ताहले देख विकल्प प्रणाली आम कौन करवा आम बोथ साइड आम ए द्वारा आम भाग करदे मीनस देख सबुति आम कौन करवा बै टू ये बै टू ये बै टू करदे ठीक अच्छे ना तो विकल्प प्रणाली आम कौन करवा समीकरण में ए रान जी अच्छे आम कौन
बोथ साइड आम भाग करदे बर्तमान ये कौन है ये टू को टू कैनसल होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस कौन अच्छी नाइन एक्स बै टू इक्वल टू माइनस फोर बै टू ताकि लिखिदे माइनस टू लिखा तो कैनसल होना ना तो बर्तमान देख ये कौन रहा ये माइनस रहा मीनस देख आम गोटे फर्मूला जानी ए माइनस बी रोल स्क्वायर रमुला हूँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक अच्छे ना तो बर्तमान देख ये जो सूत्र हिसाब से बर्तमान ये आम आनस कौन देख ये आम लिखिद एक्स स्क्वायर मीनस देख ये ए बदल ये एक्स अच्छे तो लिखे आम कौन ए स्क्वायर को आम लिखिले एक्स स्क्वायर नेक्स्ट माइनस टू इंटू ये ए के एक्स अच्छी ना तो ये आम एक्स फास्ट लिखिद तो किसी ना ये आम जो बी रैल्यू बाहर करवाटा ही टी के जन को प्रोब्लम हो पाए मीनस देख ये आम बी रैल्यू कौन पकड़े ये तीनोटी को जो गुणा तो कौन जो माइनस नाइन एक्स बै टू आसबार अच्छे ठीक अच्छे ना तो ये आम के पक देख जदि आम ये पकईद नाइन बै फोर पकेवा मीनस देख ये टू को आमर ये फोर कैनसल है मीनस टू रोचे ना ना मीनस तले आम दुई रोचे आइन इंटु एक्स कौन नाइन एक्स रोच बुझा पड़ी ना मीनस देख ये बी कौन पकेली नाइन बै फोर पकेबार देख टू को जब आम कैनसल करवा फोर सहित तले आम टू रहा आउ नाइन एक्स आम उपर रहा मीनस ए तीनोट जदि आम कौन गुणन करें कौन आइनस नाइन एक्स बै टू ही आस अच्छे ना तो ये गोटे ही भेरी भेरी इंपोर्टेंट मीनस बी बाहर करार जो जाणीदेव ताल तुमको पूर्ण वर्ग में परिणत करार जो क्वेश्चन गुड़ा सब इजी लगे ठीक अच्छे ताल्ले बर्तमान कौन है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा नेक्स्ट देख सूत्र कम्प्लीट होगापी आउ कौन दरकार प्लस बी स्क्वायर ठीक अच्छे ना तो ये देख प्लस बी मैंने के लिखी थे नाइन बै फोर तो नाइन बै फोर रो होल स्क्वायर आम लिखिद तो देख किंतु ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहा आर वैल्यू जहाँ आर वैल्यू ताका किंतु देख ये मुझे लिखिली प्लस नाइन बै फोर रोल स्क्वायर लिखिली एटा मुझे कौन ये एक्सट्रा लिखिदेली ठीक अच्छे ना तेणुक रईट सैड कौन रईट सैड माइनस टू अच्छी तो ये भी आम कौन जो एक्सट्रा लिखी लेफ्ट सैड्रे तो सीटा लिखिद हेला नाइन बै फोर रो होल स्क्वायर बुझा पड़ी तो एपरी मुझ कहीं कली तो ये देख बी स्क्वायर गोटे रही ही आम सूत्र कम्प्लीट हम मीनस ए माइनस बी रो होल स्क्वायर आम लिखिपर मीनस बर्तमान आम लिखिपर कौन देख एटा ए स्क्वायर मीनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटु नाइन बै फोर मीनस टू ए भीला ए स्क्वायर है माइनस कौन टू ए बी प्लस कौन है बी स्क्वायर है तार फर्मूला हूँ कौन ए माइनस बी रो होल स्क्वायर ये ए मैंने एक्स माइनस b मैंने के नाइन बै फोर ठीक अच्छे ना ताल देखो इतनी बदल में कौन लिखली a माइनस बी रो होल स्क्वायर मीनस x माइनस नाइन बै फोर रो होल स्क्वायर नेक्स्ट देखा इक्वल टू कौन अच्छी माइनस टू प्लस ये नाइन रो स्क्वायर आम लिखिद एट्टी वन बै फोर रो स्क्वायर हूँ के ठीक अच्छे ना ताल नेक्स्ट देखा x माइनस नाइन बै फोर रो होल स्क्वायर इक्वल टू देख ये आम लस बाहर करदे तो ये सिक्सटन हम ताल कि ना बोले तले एक अच्छे ना एक को षोह हल्ले के षोह रहा षोह दुणे ये बतीस तो माइनस अच्छी माइनस थर्टी टू लिखिदे नेक्स्ट षोह को षोह हरले एक वन इंटु एट्टी वन तो लिखिदे ये एट्टी वन बुझा पड़ा ना तो नेक्स्ट स्टेप्रे देखा तो देख नेक्स्ट कौन एक्स माइनस केत अच्छी नाइन बै फोर एक्स माइनस नाइन बै फोर रो होल स्क्वायर इक्वल टू देख माइनस थर्टी टू प्लस एट्टी वन तो यहाँ फोर्टी नाइन रोज फोर्टी नाइन बै के सिक्सटीन ठीक अच्छे ना ताले नेक्स्ट कौन हो एक्स माइनस नाइन बै फोर इक्वल टू स्क्वायर जदि आम एपट आने कौन हम रूट आवर हो फोर्टी नाइन बै सिक्सटीन रूट आवर होगा ताल बर्तमान देख एक्स माइनस नाइन बै फोर इक्वल टू अणचाश वर्गमूल हूँ सात षोह वर्गमूल हूँ चारि तो रूट आवर बाहर मीनस प्लस आर माइनस आम देदे ठीक अच्छे कि तोहले नेक्स्ट स्टेप्रे कौन हम एक्स देख ये प्लस आर माइनस रहा आम गोटे प्लस लिखिद आ गए कौन माइनस आम लिखा ताल नेक्स्ट देखा एक्स इक्वल टू फास्ट लिखिद प्लस आर माइनस कौन अच्छे सेवेन बै फोर एटा सेपटे जीव प्लस नाइन बै फोर तो ये जो प्लस आर माइनस रहा बर्तमान अलग अलग लिखा एक्स इक्वल टू सेवेन बै फोर प्लस नाइन बै फोर मीनस देख प्लस आर माइनस मुझे प्लस लिखिली तो सहीपर नेक्स्ट लिखा एक्स इक्वल टू बर्तमान माइनस लिखिद माइनस सेवेन बै फोर प्लस नाइन बै फोर ताल देख बर्तमान ये लस आगे चार सात प्लस न रो तो के सिक्सटीन बै फोर मीनस फोर आसला तो सहीपर ये देखा
ये लस हूँ चार तो ये रहा माइनस सात प्लस नौ दुई बाय चार आसला तो एक बै दुई मीन देख ये एक्सर भैल्यू के आसला फोर आउ वन बै टू आसला तो द्विघात समीकरण जो सूत्र प्रयोग करें जो करते से आम सेम आसला ये भी सेम आसला तो यहाँ हूँ कौन पूर्ण वर्ग से किपर परिणत करें समाधान करें जान लें ठीक अच्छे ना तो से हीपरी देख तुम्हें जब चाह तुम्हें श्रीधर आचार्य प्रणाली कर संख्या गुड़ा रहा संख्या गुड़ा टी बड़ हम मीनस देख ये आम कौन कले ये आम बोथ सैड आम कौन कले ए द्वारा आम डिड कले ठीक अच्छे कि श्रीधर आचार्य प्रणाली से कौन कर बोथ सैड से फोर ए द्वारा मीनस कौन से बोथ सैड फोर ए द्वारा से गुणन कर ठीक अच्छे ना विकल्प प्रणाली में आम कौन करे ये ए द्वारा आम डिड करुचे भाग करुचे किंतु श्रीधर आचार्य प्रणाली में फोर ए द्वारा गुणन कर ठीक अच्छे ना तो सेमती तुम्हें चाहिए करपार बुझा पड़ा ना तो हमें बर्तमान आम देख द्विघात समीकरण को किपर आम समाधान करवा दुईट प्रोसेस आम समाधान कर गोटे हूँ कौन पूर्ण वर्ग से परिणत कर समाधान कर तो सहीपर आगुड़े हूँ कौन द्विघात सूत्र प्रयोग कर समाधान कर सब भेरी भेरी इंपोर्टेंट हूँ कौन ए जो प्रोसेस मीन्स तुम एग्जाम पूर्ण वर्ग से परिणत कर समाधान करवा तुम सियोर आसो बर्तमान जो एफ ए वन एग्जाम न आसिले तुम जो फाइनाल एग्जाम कंपलसरी आसो ठीक अच्छे ना तुम एक्सरसाइज टू रो फोर नंबर क्वेश्चन पूर्ण वर्ग से परिणत कर समाधान करवा अच्छे तुम दस टी क्वेश्चन अच्छी तो से सब मुझ आगू वीडियो कर सारी जदि देख नाल मुझ लिंक डिस्क्रिप्शन देदेगी तुम्हें देखिपार ठीक अच्छे बर्तमान आम देखा प्रभेदक मानने कौन यह इंग्लीश कौन कह डिस्क्रिमिनेंट बोली कह ठीक अच्छे ना तो देख आम तो पढ़िले द्विघात समीकरण जो साधारण रूप हूँ कौन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक अच्छे ना तो देख प्रभेदक मानने कौन यह कौन डी अक्षर द्वारा आम सूचेबा तो देख डी रोटे फर्मूला कि प्रभेदकर फर्मूला हूँ कौन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक अच्छे तो ये मन रख प्रभेदकर फर्मूला हूँ कौन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीनस देख एठार बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आम कौन कह जो समीकरण प्रभेदक कह बुझा पड़ी ना तो प्रभेदक मैंने कौन आम जाणीदे तो नेक्स्ट आम देखिए कौन मूलद्वयर स्वरूप ठीक अच्छे माने देखो मूलद्वयर स्वरूप माने एठे हमर जो प्रभेदक आसला डी आसला तो डी जदि जीरो ठारु बड़ हम ताहले मूलद्वय कौन हम जानवा तो सहीपर डी जदि जीरो सहित सामान हम ताहले मूलद्वयर स्वरूप कौन हम देखा तो सहीपर डी जदि जीरो ठारु सान हम ताहले मूलद्वयर स्वरूप कौन हम जानवा मीन्स देख जदि डी जीरो ठारु बड़ हम ताहले एठी मूलद्वय कौन हम वास्तव हला वास्तव व असमान हम मन रख वास्तव व असमान तो सहीपरी देख जदि डी जदि जीरो सहित सामान है कौन हम वास्तव व समान हम वास्तव व समान तो सहीपरी देख जदि डी जीरो ठारु सान हम ताटा कौन हम अवास्तव हम हला ये मूलद्वय कौन हम मूलद्वयर स्वरूप अवास्तव हम ठीक अच्छे एवं देखो जो डी ग्रेटर देन जीरो रहा तो ये देख आउ दुईट मन रखा जदि देख डी ग्रेटर देन जीरो तो ये कौन देख पूर्णवर्ग संख्या होते कौन हम जाणी तो सहीपर कौन पूर्णवर्ग संख्या जदि न कौन हम आम देखा मीन्स देख जदि जीरो ठारु कौन डीटा बड़ एवं कौन पूर्णवर्ग संख्या होती से मूलद्वय कौन हम मूलद्वय परिमेय वो असमान हम ठीक अच्छे परिमेय वो असमान तो सहीपर जदि पूर्णवर्ग संख्या हो नाले से कौन हम अपरिमेय अपरिमेय वो असमान हम ठीक अच्छे ना ये दुटा मन रख देख पूर्णवर्ग संख्या मीन्स कौन फॉर एग्जांपल देख 16 देख 16 रो वर्गमूल बाहर ना ना 16 रो वर्गमूल हो के 4 ना ना एक्जाक्ट वर्गमूल बाहर आम कौन कह गोटे पूर्णवर्ग संख्या कह ठीक अच्छे ना तो सहीपर जदि आम कह
81 कौन गोटे पूर्णवर्ग संख्या कहीं तार वर्गमूल हूँ के एक्जाक्ट वर्गमूल 9 ठीक अच्छे ना। तो यह सब हूँ कौन गोटे पूर्णवर्ग संख्या आम जान लें कौन जदि प्रभेदक जो डीटा जीरो ठार बड़ आउ पूर्णवर्ग संख्या हेले कौन परिमेय व असमान हम एवं पूर्णवर्ग संख्या जदि हो नपरिमेय व असमान हम ठीक अच्छे। आठ आम जान लें डी इक्वल जीरो कौन बास्तव समान डी लेस देन जीरो कौन हम अबास्तव हम। तो देख बर्तमान गोटे एक्जामपल आम करेंगे एक्जामपल देख एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो समीकरण मूल द्वयर स्वरूप स्थिर करने कही मीनस देख फास्ट आम कौन करवा यार प्रभेदक बाहर करवा। तो देख ये कौन अच्छी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो ये ए हूँ कौन एक्स स्क्वायर सहग वन आउ बी हूँ एक्सर सहग हूँ माइनस टू आ सी हूँ के माइनस एट ठीक अच्छे। देख आम तो जाने प्रभेदक फर्मुला हूँ कौन डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देख ये बी मान के माइनस टू र स्क्वायर हम माइनस फोर इंटु ए हूँ वन सी हूँ के माइनस एट ताल देख माइनस टू र स्क्वायर हूँ फोर माइनस माइनस कौन प्लस हूँ आठ चौ के बतीस आसला 36 आसला। तो नोटिस कर देख डी के 36 मीन से कौन है डीटा जीरो ठारू बड़ 36 कौन जीरो ठारू बड़ ना ना। तो ये कौन आसला डी ग्रेटर देन जीरो आसला तालोले आम जाने डी ग्रेटर देन जीरो है मानने मूल द्वयर स्वरूप कौन हम मूल द्वयर स्वरूप कौन बास्तव व असमान हम ठीक अच्छे ना बास्तव व असमान हम आंसर किंबा आम चाहे देखिपर देख एटी आमर जो आंसर कौन 36 आसला यहाँ हूँ कौन गोटे पूर्णवर्ग संख्या मीनस यार वर्गमूल बाहर छः ना ना ताल देख यहाँ कौन गोटे पूर्णवर्ग संख्या ताले यहाँ को आम लिखिपर कौन यह परिमेय है परिमेय व असमान बोली लिखिपर बुझा पड़ी ना। तो यह हूँ कौन मूल द्वयर स्वरूप प्रभेदक मैंने कौन जाने एवं मूल द्वयर स्वरूप विषय आम जाने। तो नेक्स्ट आम देखा मूल द्वयर समष्टि फर्मूला कौन एवं मूल द्वयर गुणफल फर्मूला कौन आम देखा मूल द्वय आहग मध्य संपर्क मैंने देख आम तो जान लें द्विघात समीकरण जो सूत्र हूँ कौन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए हाँ कि ना यहाँ हूँ कौन द्विघात सूत्र ताल देख यार जो मूल द्वय को जदि आम मनकर गोटे मूल को आल्फा नेबा तो से हीपरी आ गोटे मूल को आम कौन नेबा बीटा नहीं जा ठीक अच्छे ना। ताल देख ये आल्फा इक्वल टू कौन हम ये जो प्लस आर माइनस रहा तो गोटे प्लस लिखीदे मीनस लिखा माइनस बी प्लस है रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए लिखा। तो से हीपरी बीटा इक्वल टू कौन लिखा माइनस बी तो प्लस आर माइनस आम कौन लिखा माइनस लिखा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए बुझा पड़ी ना। ताल देख दुईट मूल को कौन आम एपरी भाव में लिखिले। तो बर्तमान आम देखा कौन मूल द्वयर समष्टि मूल द्वयर समष्टि ताल देख आम जो दुईट मूल ने गोटे हूँ कौन आल्फा आ गए हूँ कौन बीटा ताल मूल द्वयर समष्टि मैंने कौन आल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तार फर्मूला हूँ माइनस डी बाय ए मीनस देख ये आल्फा हमारे एति रहा आटा हमारे एति जदि आम ए दुटा को आम कौन प्लस करवा मीन समष्टि करवा कौन आसो बी माइनस बी बाय ए आसो ठीक अच्छे ना। तो मन रखिब मूल द्वयर समष्टि सूत्र हूँ कौन आल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो से हीपरी नेक्स्ट देखा मूल द्वयर गुणफल मूल द्वयर गुणफल मीन्स कौन आल्फा बीटा ना ना आल्फा इंटु बीटा मीन्स देख ए दुटा को जदि आम कौन गुणन करवा कौन आसो सी बाय ए आसो ठीक अच्छे। तो ये मन रखा मूल द्वयर समष्टि हूँ माइनस बी बाय ए तो से हीपरी मूल द्वयर गुणफल सूत्र हूँ सी बाय ए ठीक अच्छे ना। तो देख गोटे एक्जामपल कर देख ये मुझे गोटे एक्जामपल लिखी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो समीकरण मूल द्वय आल्फा व बीटा तेब ये पचार आल्फा प्लस बीटा मीनस कौन यहाँ हूँ मूल द्वयर समष्टि व आल्फा बीटा मीनस मूल द्वयर गुणफल मूल्य निरूपण करने कही देख ये आम समीकरण कौन अच्छी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो अच्छे ठीक अच्छे। ताल फास्ट आम कौन आल्फा प्लस बीटा बाहर करवा आल्फा प्लस बीटा तो फास्ट ये कह ये ए के 25 आउ बी हूँ के 30 आउ सी हूँ के 7 ठीक अच्छे। ताल देख आल्फा प्लस बीटा मीनस मूल द्वयर समष्टि सूत्र हूँ कौन माइनस बी बाय ए ताल माइनस ये बी हूँ के 30 बाय ए के 25
ठीक अच्छे ना ताल कैनसल कर पाँच पंचांग पचीस पाँच छक तीस माइनस सिक्स बै फाइव ठीक अच्छे ये आम आसला आल्फा प्लस बीटा मीन्स मूल द्वर समष्टि के माइनस सिक्स बै फाइव तो सहीपर आल्फा बीटा देखा आल्फा बीटा इक्वल टू फर्मूला हूँ सी बै एल सी हूँ केला सेवेन आउ ए हूँ के ट्वेंटी फाइव ताल हूँ तुम कौन मूल द्वर गुणफल बुझा पड़ा कि तो नेक्स्ट आम देखा द्विघात समीकरण गठन करार सूत्र गोटे रही तो आम देखा देखा द्विघात समीकरण गठन ठीक अच्छे द्विघात समीकरण गठन करार गोटे सूत्र रही तो सूत्र मुझे कहीदेव देख एक्स स्क्वायर माइनस मूल द्वयर समष्टि माइनस कौन मूल द्वयर समष्टि इंटु एक्स नेक्स्ट प्लस मूल द्वयर गुणफल मूल द्वयर गुणफल इक्वल टू जीरो ठीक अच्छे ना तो ये द्विघात समीकरण गठन करार सूत्र हूँ कौन एक्स स्क्वायर माइनस मूल द्वयर समष्टि मान कौन आल्फा प्लस बीटा ना इंटु कौन अच्छी एक्स नेक्स्ट प्लस कौन मूल द्वयर गुणफल मान कौन आल्फा बीटा इक्वल टू जीरो एड़ा होची से सूत्र ठीक अच्छे गोटे समीकरण मीन्स द्विघात समीकरण गठन करने सूत्र हूँ कौन एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस आल्फा बीटा मीन्स देख तुमको जो मूल द्वारा समष्टि जना थी तो सहीपर मूल द्वारा गुणफल जना थी ताहले ए सूत्र तुम आंसर पक तुम कौन समीकरण टी गठन कर तो देख गोटे एक्जाम्पल आम करजापल लिखी गोटे द्विघात समीकरण मूल द्वयर समष्टि देते माइनस फाइव ओ गुणफल थ्री तेज समीकरण टी गठन करने तो आम तो जाने द्विघात समीकरण गठन करार जो फर्मूला हूँ कौन एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस आल्फा बीटा इक्वल टू जीरो हाँ कि ना ताल देख ये आम एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा प्लस बीटा मीन्स कौन मूल द्वर समष्टि देते माइनस फाइव ना तो ये लिखीद कौन माइनस फाइव इंटु एक्स प्लस आल्फा बीटा मीन्स मूल द्वर गुणफल के थ्री अच्छी इक्वल टू जीरो बुझा पड़ी ना ताल कौन देख एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो प्लस फाइव एक्स नेक्स्ट प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ हूँ तुम कौन द्विघात समीकरण बुझा पड़ा ना देख एतिकी होची तुम कौन द्विघात समीकरण बेसिक कनसेप्ट आउ फॉर्मूला मीन्स एतिकी जदि तुम क्लियर है तुम एक्सरसाइज 2.A आउ 2.B रो सब क्वेश्चन रो आंसर तुम कर ठीक अच्छे एवं देख आ गोटे पार्ट रहा सीटा हूँ कौन द्विघात समीकरण में रूपातरण मीन्स से तुम सिलेबस रु कटि जाइए तेणुक तुम आउ पढ़ा दरकार ना ठीक अच्छे ताल देख एक्सरसाइज 2.A रे तो तुम कि कटिनी मीन सब क्वेश्चन रो आंसर तुमको प्राक्टिस करने को पड़ो किंतु देख एक्सरसाइज 2.B जोड़ा रहा सीटा हूँ पाटिगणित रहा तो सी सब प्राक्टिस कर किंतु से देख 17 नंबर जो क्वेश्चन रहा 17 नंबर क्वेश्चन रे 17 क्वेश्चन अच्छे ठीक अच्छे तो सी सब तुमको प्राक्टिस करने दरकार ना कहीं तुम कौन सिलेबस रु कटि जाइए ठीक अच्छे ना ताल देख एक्सरसाइज 2.A रो सब क्वेश्चन रो आंसर प्रैक्टिस करिबो आउ एक्सरसाइज 2.B रो 17 नंबर को छाड़ी के आउ सब प्रैक्टिस करिबो बुझा पड़ा ना ताहल देखो नेक्स्ट वीडियो रे आमे एही जो चैप्टर रो सब शॉर्ट क्वेश्चंस गुडा को आमे डिस्कस करिबा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।